नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज वाटर हीटर के बारे में, जो कि मॉडल है न्यू शक्ति नियो, बजाज का मॉडल है ये, ठीक है। तो आज इसमें क्या क्या मतलब इंस्टॉल करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बात करने वाले हैं। तो ये हमारा है 2 किलोवाट का, यानी 2000 वाट का ये गीज़र है 25 लीटर। सबसे पहले हम इसमें NRB फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। NRB दो तरह के होते हैं जी, एक में होता है वाशर लगा हुआ होता है, एक में वाशर नहीं लगा हुआ होता है। इसमें वाशर नहीं लगा हुआ है, इसके लिए हम इसमें टेफ्लॉन लगा करके इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लेना है, पानी लीकेज ना हो, ठीक है। इसको फिक्स करने के बाद हम इसका स्टैंड का साइज ले लेंगे, हमको इस तरीके से दीवार में लगा करके और फासन जो लगाने वाले हैं उसका साइज देख लेंगे, ठीक है। इसका दूरी बराबर से ले लेंगे, इसमें 8 mm का फास्ट नट लगेगा, कैसे इसमें दूरी लेना। और ध्यान रखना है कि फास्टनेट जहाँ पे आप लगा रहे हैं, जहाँ पे मार्क करके लगा रहे हैं, वहाँ पे टाइट जाना चाहिए, यानी कि उसमें पीछे आपका ईट होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले जो होल किया उसमें सिर्फ बालू ही बालू निकला, मतलब रेत ही था उसमें, तो मैंने उसको उसके जगह पर फिर दूसरे को होल किया तो उसमें भी देखा उसमें बालू ही आ रहा था। इस तरीके से देखिए, इसमें भी बालू ही आ रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर फास्टनेट आप लगाएंगे भी तो इसमें मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसमें इसी चीज़ को ध्यान देना है कि फास्टनेट जो आप लगाए तो वो पूरी तरीके से फिक्स और टाइट हो, ठीक है। क्योंकि वो 25 लीटर आपका उसमें स्टोरेज रहेगा और 10 kg आपके मशीन का वेट रहेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से फास्टनेट लगाना, क्योंकि दो ही फास्टनेट पे आपका ये टोटल वेट होने वाला है, टोटल जो वजन है आपका दो ही फास्टनेट पे लगने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे जब मैंने ये चौथा होल किया तो इसमें ईंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका फिर से साइज ले लेंगे, दूसरे एक होल तो हो गया ईंट के पास, अब दूसरे होल के लिए हम मेजरमेंट से मेजर कर लेंगे उसको, दोनों फास्टनेट की दूरी मशीन में चेक कर करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दीवार में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि एक मेरा होल हो गया इसी तरीके से विदाउट नापे हुए, तो यहाँ पे दूसरा भी मेजरमेंट से नाप करके फिर इस तरीके से होल कर लेना है, ठीक है। और फास्टनेट ये ध्यान रखना है कि फास्टनेट इसमें भी टाइट जाए। तो यहाँ पे ईट निकला है तो इसमें फास्टनेट टाइट जाएगा ही, तो चलिए फास्टनेट को मार लेते हैं, ठीक है। फास्टनेट ठोकने के बाद इसमें देखिए कि फास्टनेट टाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होल ओके है, दूसरा भी फास्टनेट हम इसमें लगा लेंगे, हमारा दूसरा फास्टनेट भी टाइट जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों फास्टनेट को ठोक करके और इसको वापस स्पेनर से टाइट कर लेंगे। अभी पहले इसको ढीला नहीं करना है, सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, ताकि ये अपने जगह पे फिक्स हो जाए। अंदर से जो भी इसका एक बोल्ट लगा हुआ रहता है, जो भी फास्टनेट आप इसमें अंदर साइड से खुल करके और टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइट कर लेना है, टाइट करने के बाद हल्का सा इसको ढीला कर देना है, जिसमें हम मशीन को हैंग कर सकें। इस तरीके से दोनों फास्टनर को कर लेना है टाइट, ठीक है। दूसरे फास्टनर को भी ढीला करने के बाद इसमें हम इस तरीके से मशीन को टांग देंगे, ठीक है। इसमें टांगना बहुत इजी रहता है, सिर्फ ऊपर से हल्का ढीला करके फास्टनेट को ऊपर से फंसा देना रहता है, ठीक है। फंसाने के बाद वापस से हम फास्टनेट को टाइट कर लेंगे, फास्टनेट को अच्छी तरीके से वापस से टाइट कर देना है। और ये हमारा टांग इंस्टॉलेशन का इसका काम बराबर हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें कनेक्शन का काम करेंगे, पाइप कनेक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि न्यू शक्ति नियो में पाइप आपका फ्री नहीं आता है, ना ही इसमें इंस्टॉलेशन फ्री रहता है। इसमें न्यू शक्ति नियो में हर चीज़ का आपको पे करना पड़ता है। इसमें किसी भी चीज़ का मतलब सिर्फ NRV आपको प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, उसके बाद आपका टोटल चार्जेबल रहेगा, ठीक है।
तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि एनयू शक्ति नियम में आपका कनेक्शन पाइप और इंस्टॉलेशन फ्री है या नहीं है। तो इसमें फ्री कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका प्रोडक्ट के साथ इसमें आपको एक NRB और एक वारंटी पेपर और मैनुअल बुक ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसमें एक पाइप को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पाइप को अच्छी तरीके से कनेक्ट करने के बाद हम इसको एंगल कॉक में, ये इनलेट का पाइप है तो इसको एंगल कॉक में लगा करके इसको पानी चालू कर देंगे, ठीक है। तरीके से टाइट कर लेना अच्छी तरीके से और इसको पानी को चालू कर देना, ठीक है। अब इसमें स्टोरेज होने में कम से कम आपको टंकी वाटर टैंक जो आपका छत पे रखा हुआ है उसकी हाइट के ऊपर है। आपका अगर जस्ट ऊपर ही रखा हुआ है, जस्ट ऊपर ही वाले छत पे रखा हुआ है तो आपका 10 से 15 मिनट टाइम जाएगा। अगर उससे भी ऊपर है तो आपका लगभग 5 से 7 मिनट में इसका स्टोरेज हो जाएगा। तो जब तक स्टोरेज होता है जब तक हम दूसरा पाइप को कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि आउटलेट का जो पाइप है उसकी तरफ से मतलब एयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एयर आ रहा है मतलब है कि उसमें पानी स्टोर हो रहा है। अगर एयर नहीं आ रहा है तो आप फिर से आप वाटर टैंक को चेक करें, ये पानी उसमें या तो कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। और उससे भी नहीं हो रहा है तो अगर टैंक ज़्यादा ही नीचे है तो फिर आपको स्प्रिंग निकालना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें एयर आ रहा है, एयर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है इसमें पानी स्टोरेज हो रहा है। तो हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। देखिए पानी इसमें आ गया है और पानी आने के बाद इसको हम थोड़ा सा बंद चालू करके इसमें एयर जो भी है पानी के साथ वो निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेने के बाद हमको आउटलेट का जो निप्पल लगा हुआ है उसमें फिक्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल कॉक फास्टनर ठोकते समय इसमें जो डस्ट आया था उसको धो लेंगे, ठीक है। इसको बंद करने के बाद हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि गीज़र का जो नल है वो चालू हमने करके रखा है, उसमें पानी बराबर आ रहा है यहाँ से एंगल कॉक बंद चालू करने पे, ठीक है। यहाँ पे चालू करने पे इसमें बराबर पानी आ रहा है, बंद करने पे भी बंद हो जा रहा है, तो मतलब ये हमारा ओके है। अब हम इसको चालू कर सकते हैं। उससे पहले हमें स्पैनर की मदद से सबसे पहले इसको कनेक्शन पाइप को हल्का हल्का और टाइट कर लेंगे जो कि लूज़ नहीं होना चाहिए, लूज़ होने पे आपका इसमें से वाटर लीकेज होगा। तो टाइट करने के बाद हमने इसको चालू कर लिया है और इसका जो टेम्परेचर है किसी भी गीज़र का हम ज़्यादा पे नहीं रखेंगे, मतलब CSM का मतलब होता है चिल्ड्रन सेफ्टी मोड, तो आप उस पर रख सकते हैं या उसके और जो हाई टेम्परेचर है उसके बीच में रख सकते हैं। वो आपका लगभग 60-70% के आसपास होता है जो कि पानी गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप उतना पे रख सकते हैं, उससे अगर कम का ज़रूरत हो, अगर आपको लगे कि कम हीटिंग चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा उसको कर सकते हैं, ठीक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है।